और लखनऊ से खबर जहां पर मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने जिलों के प्रभारी मंत्री बदले, साथ ही साथ 25-25 जिले के दोनों डिप्टी सीएम को सौंपे गए हैं। 25-25 जिले दोनों डिप्टी सीएम को सौंपे गए हैं। 25 जिलों का प्रभार अपने पास रखा है और इसी के साथ सभी मंत्रियों को उनके प्रभाव वाले जिले का प्रभारी बना दिया गया है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को जनता से संवाद और समन्वय का मंत्र दिया। मंत्रियों को जिलों में रात्रि विश्राम कर योजनाओं की जानकारी लेने के लिए भी कहा गया है। वहीं प्रभारी मंत्री संगठन सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन ने भी मंत्रियों को निर्देश दिए। बीजेपी के सदस्यता अभियान समेत कई अन्य कार्यक्रमों को लेकर मंत्रियों को आदेश दिया गया है। सभी मंत्रियों के लिए प्रभारी जिले दिए गए हैं और उन्हीं जिलों में हम लोगों को काम करना है और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है इसके संबंध में सबको सजग किया गया है कि जिसको जो जो जिला मिला है वो उसमें अपना काम करें। प्रभारी मंत्रियों से बातचीत हुई है विकास के एजेंडे? हाँ, वो सब प्रभारी मंत्रियों से उन्होंने जानकारी ली है कि कितना कितना काम किया है। और अखिलेश यादव के माफिया वाले बयान पर वाराणसी के संतों ने भी नाराजगी जताई। संतों ने अखिलेश के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। राजनीति के नीचता की पराकाष्ठा कही जा सकती है अखिलेश यादव के इस बयान को कि जिसने मठाधीश और माफिया की तुलना की है। एक राजनीति में दुष्चरित्र व्यक्तियों को अपना परिवार मानने वाले व्यक्ति से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। सनातन धर्म से इतनी नफरत, हिंदू धर्माचार्यों से इतनी नफरत और नफरत की पराकाष्ठा सनातन धर्म से, ये डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन आदि के कार्यक्रमों में भाग लेने की, अब इनकी विनाशकारी विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है विनाश की ओर बढ़ने लगे हैं। क्या 99 सीटें इंडिया क्या पा गई है जिसके कारण आज इतना उफान मचाए हुए है? मुझे लगता है कि अब इनका जो है और ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अगर जो संतन सो बैर बढ़ावे बिना अभादे सोन सजावे, जो संतन से बैर बढ़ाता है उसको नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो कभी बचता नहीं है।